अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे वैसे कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यार रुमानिया वैसी से अभी ये वीडियो मुझे रिसीव हुई है, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये वीडियो मिली है। प्लीज़ आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और इसमें आपको काफ़ी ऐसे सवाल के जो है ना जवाब मिल जाएंगे जो मुझे यहाँ पे काफ़ी जो है ना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई इस चीज़ का क्या मतलब है या ये क्या है। और ये टोटल जो है ना वो इंटरव्यू के बारे में है, ठीक है? माजरत के साथ क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ जो है ना इसकी इस वीडियो की स्लो है, तो आप कोशिश करें इसको थोड़ा सा बेशक आप हैंड फ्री लगा के सुन लें या थोड़ा सा मोबाइल अपने पास करके जो है ना ये वीडियो देख लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के एंड पे आपको मैं मिलता हूँ। ये वीडियो पहले देखें और इसमें आपको काफ़ी सारे जो है ना वो सबक हासिल होंगे। तो आपने जब भी आपने जाना है तो आपने बिल्कुल भी पहले, ये बंदा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था इंटरव्यू के दरमियान, ये बंदा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना जो है ना वो इंटरव्यू देना है। और कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है, कोई आपको वो मतलब वहाँ के मतलब वज़ीर आज़म के बारे में नहीं पूछेंगे, वहाँ की कितनी आबादी है ये नहीं पूछेंगे, वहाँ कोई ऐसी आपको इतना ज़्यादा मुश्किल बोल रहा है सवाल नहीं है, बिल्कुल सादे से और सिंपल से सवाल हैं, ठीक है? थोड़ा सा बंदा इसलिए पज़ल होता है क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं इस टाइम, क्योंकि ये रोमानिया एम्बेसी की जो है ना वो वीडियो है। ये हो सकता है कहीं बाहर जो है ना वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो आगे मतलब बैठे होते हैं, शीशा होता है, उसके दरमियान में एक आपका जो है ना फासला होता है। वो यूनान एम्बेसी की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें जो है ना वो सेंटर में एक शीशे का जो है ना वो उन्होंने पर्दा बनाया होता है, जिसमें मतलब आपको आप उनको देख सकते हैं, सॉरी वो आपको देख सकते हैं लेकिन आप उनको नहीं देख सकते, इस तरह का शीशा है, वो आपसे जो है ना वो गपशप करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड पे मिलते हैं आपको, ठीक है? I came from Mandi Baba Dev. Are you married? No, I am single. Introduce yourself. My name is Shahzan Bas. I am son of Ghulam Bas. I am 18 years old. I am 10th class pass. What is your education? I am 10th class pass. What is your marital status? How can I help you today? Please take my interview. Why you choose Romania? Romania visa is low expensive, it visa cheapable and affordable. There are good job opportunities, there is good salary with facilities. Tell me something about your company. My company is My company name IBB Enterprise General SRI. Company owner name jithe located ha oda ki kaam kardi hai dasna, tell me something about company. My company name is IBB Enterprise General SRI. My company is located help of Do you have any hobby? My hobby is playing volleyball. 25% people your age run away from a man. So do you run away? No. You go only Italy. Yes. Give me as a promise that you will stay in Romania. No, I will stay in Romania. Strong reason. Which city you are going? जी तो प्यारे व्यूअर्स, कैसी वीडियो आपको लगी है? तो प्लीज़ मैं आपसे पहले मैंने माजरत की थी कि भाई आपको थोड़ा सा जो है ना आवाज़ कम आएगी, तो आपने इसको जो है ना वो ज़रा गौर से सुनना है। यहाँ से मुझे उम्मीद है काफ़ी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा, ये रिक्वेस्ट मेरी भाई, प्लीज़ आप जो है ना अपने इंटरव्यू के जो है ना बारे में ज़्यादा तवज्जो दें, इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह आप जो है ना 100% जो है ना कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू सही नहीं है, बेशक आपकी पर्सनैलिटी जो है ना बहुत अच्छी है, आपने ड्रेसिंग वेल गुड की है, उसके बाद आपने शूज़, आपके हेयर स्टाइल, ये सारा कुछ ओके है, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है ना आपको ना आता हो, आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान देगा। कोशिश करें आप अपने इंटरव्यू की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और इंटरव्यू को देखें। इंटरव्यू को कहीं भी जाने के लिए, आपको इंटरव्यू कहीं भी आपने जाना हो, उससे पहले आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल देख लिया करें, पढ़ लिया करें। अब जो भाई इनसे सवाल कर रहे थे, उनके आगे इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, लेकिन वो देखिए एक छोटी सी बात आप नोट करें, वो इनसे पूछ रहे थे मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो ये भाई नहीं बता नहीं सकते। लेकिन इसने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को देखा होता, अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा होता, तो ये इसको मुझे उम्मीद है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि ये परेशान हो गए। भाई इसको पता था कि मेरी यार मेरा इतना तजर्बा है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्यों इस चीज़ से जो है ना वो घबराऊँ। तो कोशिश करें बिला जो है ना बकायदा आप जो कोशिश करते हैं जो है ना नीचे जो है ना कमेंट करें, इस भाई को जो है ना पजल करें। भाई मुझे पजल करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, खुदा के लिए आप अपने इंटरव्यू की तरफ ध्यान दें और इसी तरह की जो है ना वो वीडियोस देखता रह करें, क्योंकि आपको कोई ना कोई अच्छा बुरा जो है ना वो सबक मिलता रहेगा। ये मैंने आपके साथ वीडियो इसलिए शेयर की थी क्योंकि काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई वो जो है ना इंटरव्यू उर्दू में करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है कि ये इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। तो कोशिश करें इंटरव्यू की अच्छी से अच्छी तैयारी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।